अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों और साथियों, SIO UPS की तरफ से जो सीरीज चलाई जा रही है फलस्तीनी इशू को समझने के लिए, आज उस सीरीज का अगला वीडियो हमारे सामने पेश है। आज हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं वो मेहमान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के HOD जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज हैं, हिंदुस्तान का जो राय अमल है वो फलस्तीन को लेके, इसराइल को लेके और उन तमाम जो गाजा स्ट्रिप में मामला हुए हैं, जो भी मामला हमारे सामने आए हैं उनको लेकर क्या पॉलिसीज इंडिया की है, हिंदुस्तान का राय अमल क्या होगा, इन चीजों पर हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है और मैंने अपना टॉपिक जो इंडिया रिलेशन हमारा फलस्तीन से है उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि हम जो टॉपिक मैंने रख रखा है उस पर डिस्कशन के लिए और वो है स्ट्रेटजिक रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ फलस्तीन एंड इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड फलस्तीन। क्योंकि हम रिलेशन, अब भारत का क्या कैसा रिलेशन है अरब इसराइल वार के सिलसिले में, उससे पहले हमें ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस और रिलीजियस इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि हम इससे ही शुरू करेंगे तब जाके हम आगे समझ पाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब ये हम देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो ये है कि एक तो ये हम अरब इसराइल का वार जो भी है एक रीजन के हिसाब से हम इसको पहले ये हम जब अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर पॉइंट ऑफ से देखते हैं तो ये है कि वेस्ट एशिया में हम इसको डील करते हैं, वेस्ट एशियन प्रॉब्लम। उसके बाद यही चीज़ वेस्ट एशिया क्या है और जब अमेरिकन इस इशूज को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम, यानी मध्य एशिया की प्रॉब्लम है, हमारे लिए वेस्ट एशिया यानी वेस्ट एशिया पूर्व यानी आपके पश्चिम एशिया की बात है। उसके बाद ये दूसरे तरफ ये है कि प्रॉब्लम ऑफ गल्फ कंट्रीज, ये गल्फ कंट्रीज की बात है क्योंकि सभी गल्फ अरबियन और अरेबियन पेनिनसुला इन्वॉल्व है, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए हम इसको जो रिलेशन है तो हम पहले ज्योग्राफी में जब देख रहे हैं कि ये एक वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम है और मिडिल ईस्ट है और ब्रिटेन के लिए भी ये मिडिल ईस्ट ही लोग इसको डील करते हैं मिडिल ईस्ट के नाम से। अब यहाँ पर ये है कि ये जो क्षेत्र है ये पेनिनसुला जो है ये इसमें ये है कि ये आपका देखा जाए इसमें यूरोप तीन महाद्वीप भी शामिल है, यूरोप है, एशिया है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये तीनों मिले हुए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जब हम सी की बात करते हैं क्योंकि एक सी रूट भी है, मेन इम्पोर्टेंस जो है इसका एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ये चीज़ है कि एक रेड सी है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, उसके बाद एक और जल जबरू मध्य है जो गाजा के स्ट्रिप में आता है। तो एक ये चीज़ है इसको और इसका जो एरिया है करीब 26 लाख स्क्वायर माइल के करीब है, काफ़ी वाइल्ड एरिया है और हम आप सब जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ख़ास तौर से रिच रिसोर्सेज हैं, पूरी दुनिया की नज़र जो है गल्फ कंट्रीज पर लगी रहती है। और यही आज अगर हम देखें कि आज 70 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, ये प्रॉब्लम जो है एज इट इज़ बनी हुई है और ना इसका कोई होप भी नज़र नहीं आ रहा कि नियर फ्यूचर में इसमें कोई कैसे इसका यानी इसमें तब्दीली की जा सकती है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसे ही एक कहावत की अगर उन्हें देखें कि एक ऐसे ही एक ऐसा है कि जहाँ गिद्ध की नज़र जो है एक मरे हुए जानवर पर जो लगी रहती है, वैसे ही अगर देखा जाए तो अरब इसराइल की जो प्रॉब्लम है यानी जो इस एरिया है उस पर पूरे दुनिया की नज़र, खासतौर से हमारे अगर देखा जाए 5 जो सुपर पावर है परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये उसके बाद जितने दूसरे और जो हमारे रीजनल जो अगर देखा जाए राइजिंग है और उसमें राइजिंग में अगर देखा जाए टर्की भी है, ईरान भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इसराइल खुद है, यानी ये सब लोग भी अपने में एक ऐसा नहीं कि ये इस प्रॉब्लम को लेके बड़ा उतावले हों इसको सॉल्व करने, किसी में नज़र नहीं आता। इवन सबसे बड़ा है इसी में देखा जाए इस रीजन का आपका इजिप्ट, इसके पॉलिसी जो है नासिर प्रेसिडेंट नासिर के टाइम में अगर जब देखें इंडिया और जो रिलेशन हुआ था 9/11 मोमेंट की शुरुआत की थी उस वक्त ये हो रहा था कि काफ़ी अच्छा ये लोग
इस रीजन में काम करेंगे, पर उसके बाद फिर ये चीजें हर एक की अपनी अपनी एक रीजनल पॉलिटिक्स नेशनल इंटरेस्ट काम उसको आगे बढ़ाए, उसके वजह से ये प्रॉब्लम जो थी वो वहीं पर रहेगी। जिस तरह से आपका अगर हम उसके पहले यानी ये सब चीजें हैं जो एक्टर के अलावा यानी पांच परमानेंट एक्टर के अलावा दूसरे सब एक्टर ये लोग भी इस रीजन में इन्वॉल्व है, उनको सबकी नजर है कि किस तरह से। और दूसरी तरफ ये भी है कि हम ये भी देखते हैं ये प्रॉब्लम जब एक ये एक है कि इस क्षेत्र में जो है आपका तीन धर्म है, मेन चीज है जेरूसलम जो है, अगर देखा जाए कि जो अगर हमारे लिए भी मस्जिद अक्सा उतना इम्पोर्टेंट है जितना उतना यहूदियों के लिए भी ईसाई के लिए भी है, क्योंकि सबसे पहले अगर क्रेडिट जाता है तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो उसको यहूदी जिसके फॉलोअर है, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, फिर हम बाद में हम आए। और वो भी है कि इवन हम और ये सब भी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही शुरुआत से है। एक ये भी अगर हम देखें कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तीनों के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना यानी हम कहें कि अगर मुसलमानों के लिए सिवाय बाकी उनके लिए नहीं है, ऐसा भी नहीं, बल्कि तीनों के लिए वो इम्पोर्टेंट जगह है। और आप देखते हैं ना, हम लोग हर वक्त नमाज में भी पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान में भी है, कोई ऐसा नहीं कि हम सभी जितने भी हमारे पैगंबर हैं सबको वही उतना रिस्पेक्ट देते हैं जितना अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। तो ये एक एक ऐसा इशू है कि इसमें रिलीजियस भी इन्वॉल्व हो चुका है, स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस भी है और डोमिनेशन भी है, रीजनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ हमारा जो सुपर पावर की पॉलिटिक्स है वो भी इन्वॉल्व। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें सभी लोग जो है अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे शुरू में कहेगा अगर देखा जाए कि ये भी सेमेटिक रीजन है, दोनों अरब और यहूदी एक ही साथ रहते थे, उसके बाद फिर क्या हुआ कि और सभी की एक ही जैसी मान्यताएं थी, सब आपस में मिलजुल के रहते थे, कोई अरब और इसराइल में कोई ऐसा वो नहीं था। बाद में फिर ये हुआ कि ईसाई धर्म ईसा अलैहि सलाम आते हैं, उसके बाद फिर ये चीज़ उनके अंदर ये भी हुआ कि बीच में खाई अमूलचूल परिवर्तन हुआ, खाई बढ़ने लगी, उसके बाद फिर एक ऐसा मौका आया कि यहूदियों को वहां से छोड़ के हटना पड़ा, और उसके बाद फिर ये है कि आपका मुसलमान ईसाई मिला, फिर उसके बाद ये चाल जो चली गई वही इंपीरियलिज्म और नी इंपीरियलिज्म की ही देन है जो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन की अगर पूरी अगर देखा जाए तो उनकी सभी की पूरा रोल रहा है, शुरू से लेके बेलफोर डिक्लेरेशन से लेके आज तक जो है जितनी भी जो गेम खेला जा रहा है वो सब ब्रिटेन और अमेरिका की देन है, और इसराइल तो इसका एक मोहरा है जो उसको फायदा उठा रहा है अपने एक एक, एक होमलैंड के एग्जिस्टेंस की वजह से। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जब ये समस्या की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, और अगर ये देखें इतिहास में हम डालें तो पश्चिमी एशिया और अरब इसराइल संघर्ष के बीच ब्रिटेन की जो है स्वार्थवादी विस्तारवादी और उपनिवेशवादी नीतियाँ ही रहीं जो आज जो है इसका। और आज अगर दूसरी तरफ देखें अमेरिका पूरी तरह से ओपनली इसराइल के समर्थन में जो भी यानी रेशन है इसराइल की तरफ होता है उसमें पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन होता है, उसमें अमेरिका जो है पीछे नहीं हटता, ओपनली कहता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखते हैं अमेरिका में क्या है, यहूदी लॉबी जो है पूरी तरह से डोमिनेट पॉलिसी मेकिंग में भी, और आपका अगर देखा जाए कि इंटेलिजेंसिया जो है इंटेलेक्चुअल जो है और अगर यह वो आपका यहूदियों के पास, तो वो जो लॉबी है वो हमेशा उनको रोल प्ले करती रही है। और यही चीज़ अगर बेलफोर में देखें 1917 से लेके आपका 1947 तक जो भी मैंडेट दिया गया, उसके बाद जो आपका फिलिस्तीन को अपने में रखा उसमें भी यहूदी ही इन्वॉल्व, और जो एक नए राज के रूप में उन्होंने जब रातोंरात क्लियर किया और उसमें सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने ही उनको रिकग्नाइज किया, एक एक प्रॉब्लम है उसको दूसरे पाले में छोड़ के हट जाने, प्रॉब्लम पूरा उसको तैयार कर देना, पूरी सब कुछ उन्होंने विस्तार तैयार कर दी, उसके बाद कहा कि नहीं हम यूनाइटेड नेशन को देते हैं, यूनाइटेड नेशन से बता के उन्होंने एक रात और रात इंडिपेंडेंट स्टेट इसराइल खड़ा करके 48 में वो उसके बाद समर्थन भी करना शुरू किया। ये कहा, और यहाँ पर ये भी है कि अब किसी भी किसी के घर में हम किसी दूसरे को आगे बैठा दें और दूसरे लोग कहें कि नहीं ये इन्हीं के घर है, तो ये कहाँ से जस्टिफाई हो सकता है। यानी ये चीज़ जो है ये इंपीरियलिज्म की जो फीलिंग थी
ब्रिटिश और अमेरिकन की वही चीज जो आज हम अरब इसराइल वार और फिलिस्तीन प्रॉब्लम में देख रहे हैं। और ये क्योंकि हम यहाँ पर भी देख चुके हैं इंडिया में भी, क्योंकि बिफोर 47 इंडिया वाज रूल बाय ब्रिटिशर्स, और यही चीज आपके 1917 में भी बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद 22 के बाद इंप्लीमेंट हुआ, उन्होंने भी अपने मैंडेट में ले लिया फिलिस्तीन को भी, उसी तरह डील करते रहे जिस तरह से इंडिया को डील करते रहे, और वहाँ पर भी उन्होंने टू नेशन थ्योरी कर एक बोया कि हम फिलिस्तीन में इसराइल को क्रिएट कर देंगे, वही आपका इंडिया में भी पाकिस्तान इंडिया के आप लड़ाई करके आप निकल गए। यानी एक ये है कि हम चले जाएं अगर फिर भी हमारा डोमिनेशन इस पर बना रहे, ये इनकी जो है एक्सप्लॉयटेशन जो एक्सपेंसिव पॉलिसी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी, और आजकल तो न्यू इंपीरियलिज्म इंपीरियलिज्म की बात जो चल रही ये पूरी तरह से इस पर लागू होता है। तो ये क्रिएशन जो है अमेरिका ब्रिटेन की चाल की देन है, जो हमें भी इन्होंने डिवाइड किया और फिलिस्तीन में भी एक नया राष्ट्र बना के उन्होंने उनको, ये है कि अपने एक एक ऐसा मुहरा बना के चले गए जो हमें जो उनको जो है हमेशा उनको मदद करते रहे, क्योंकि उनको क्योंकि अरब में एक ऐसा एक चाहिए था, एक डोमिनेशन वाला एक अपना एक प्लेस चाहिए था, उन्होंने इसराइल को क्रिएट करके रखा, क्योंकि वहाँ पर जो है जैसे 1947 के बाद, यानी आपका जब हम इसके अगर हिस्ट्री में भी जाएं तो 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्थिति ये बनती है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका देश आज़ाद होते हैं, उसमें भी अगर हमारी भी आज़ादी मिलती है, जबकि हम जो है अगर देखें नेहरू के टाइम में एक ऐसी पॉलिसी थी कि पूरे एशिया अफ्रीका के देशों में वो क्या है उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, उसने कहा कि ये कॉलोनीज़म की जो फीलिंग है ये अभी सभी यानी कॉन्टिनेंट से जितने भी खासतौर से गरीब देश हैं मुल्कों से इनको हटा देना ख़त्म करना है, और उसकी वो कोशिश भी कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने मिलकर एक नानेलैंड मूवमेंट भी खड़ा करा जिसमें आपका इजिप्ट में नासिर और उसके बाद यूगोस्लाविया मार्शल टीटो और उसके बाद सुहार्तो ये सब लोगों ने मिलकर नानेलैंड मूवमेंट किया, क्योंकि इनकी फीलिंग थी कि जो भी आपका जो कॉन्टिनेंट जो भी आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देश आज़ाद हुए गरीब मुल्क है, उनके पास कोई अपना रिसोर्सेज नहीं है और उसके बाद खुद इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरत है, तो उन्होंने अपना एक और ये भी कहा कि 47 के बाद अब हमें ये भी देखना होगा ना, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि वो वही मुल्क जो है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में सांस थे वही जैसी एंड हुआ खत्म वार होते होते वही दो ध्रुवों में अलग अलग खेमे में बढ़ गए, एक यानी आइडियोलॉजी जो है एक आइडियोलॉजी यानी आप कहते हैं ना कि एक आइडियोलॉजी आपका सोवियत संघ था यूएसएसआर दूसरा अमेरिका, यही दोनों आइडियोलॉजी एक कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिलते हैं अगेंस्ट नाजी और फासीवाद के खिलाफ, और जब उनका खात्मा होता है तो यही दोनों फिर एक आपस में एक बैटल शुरू हो जाती है जिसको हम बैटल फील्ड नहीं कहेंगे बल्कि एक कोल्ड वार के रूप में नजर आता है, और यही कोल्ड वार जो है ये अगर देखा जाए कोल्ड वार दोनों जो बड़े बड़े देश थे जो अमेरिका और यूएसएसआर जो एक अपने अपने खेमे को लीड कर रहे थे उसमें से ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है जिसमें आपका देखा जाए इजिप्ट के प्रेसिडेंट और हमारे राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सुहार्तो इन लोगों ने रोल प्ले किया कि नहीं हम जो है ये जो कोल्ड वार है और जो डिफ्रेंसेज है हम किसी खेमे में ना जाते बल्कि क्या हम अपनी स्टेबिलिटी हम आपस में अपना समझौता करेंगे आपस में लेन देन डेवलप करेंगे कोऑपरेशन डेवलप करेंगे जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी हमारी सामाजिक स्थिति और हमारा एक अपना स्टैंड होगा, जिसमें उन्होंने एक इजिप्ट पावरफुल अगर देखा जाए अरब कंट्री में एक पावरफुल और नासिर की एक पर्सनैलिटी थी, यानी क्या है नेहरू को ये लगा ये था कि अगर हम नासिर को सपोर्ट करते हैं कि ये सभी लोग एक साथ लड़ रहे थे कॉलोनी के खिलाफ, और उसके बाद ये था कि अगर हम इजिप्ट में कर्नल नासिर को अगर सपोर्ट करते हैं इससे क्या होगा कि वहाँ पर भी एक ऐसे ताकत की एक किसी राजा तक ज़रूरत है जो इस यानी जो तो दो खेमे में ना जाके किसी भी तरह किसी भी ग्रुप में जाके किसी ग्रुप में शामिल ना होके बल्कि क्या है एक स्टेबिलिटी अपनी एक अरब कंट्री में अपनी स्टेबिलिटी बनाए, तो वहाँ पर उन्होंने उनका एक समर्थन किया। अब उसी में अब यह है कि समर्थन यह था कि सभी एक दूसरे से अरब कंट्री और इंडिया जो है पहले से शुरुआत से उनके रिलेशन हमारे अच्छे रहे हैं और शुरू से ही नेहरू उनके पॉलिसी को सपोर्ट करते आ रहे हैं,
क्योंकि एक तरफ ये है रिलीजियस इशू भी है, इकोनॉमिक इशूज है, क्योंकि हमारा 60% जो है रिसोर्सेज, जो हमारे ऑयल जो है इंडस्ट्री, हमारा ऑयल का डिपेंडेंसी अरेबियन कंट्रीज पे, और हमारे लोग भी हैं अबाउट करीब मोर देन 80 लाख लोग जो है शायद हमारे पूरे जितने गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के भी जनरेशन ये भी है, एक रिलेशन हमारा एक क्लोज रिलेशन हमारे गल्फ कंट्रीज से देशों से है। तो यहाँ पर ये है कि ये जब ये चीज है कि नासिर को भी समर्थन किया उन्होंने एक ऐसे ही स्टेबिलिटी बना, क्योंकि उनको था कि हम अमेरिका को दूर रखने की कोशिश, नेहरू की हमेशा से पॉलिसी थी कि एशिया और वेस्ट एशिया यानी पूरे एशियन कॉन्टिनेंट से अमेरिका को दूर रखना, और दोनों दूर इवन सोवियत संघ को दूर रखने की कोशिश की थी, मगर ये क्या था कि इनका झुकाव जो था सोवियत संघ की तरफ था, क्योंकि सोवियत संघ की जो पॉलिसी थी वो थी आपका सोशलिज्म की थी, क्योंकि सभी को लेकर चलने की बात थी, अगर बाद में जो भी है हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज अगर हम देखें कि शुरू से ही इंडिया का जो इन्वायरमेंट था वो हमेशा गल्फ कंट्री के साथ, अरबियन कंट्रीज के साथ था। और दूसरा ये भी है, एक तरफ ये भी हम देखें, जब 48 में इसराइल का एग्जिस्टेंस होता है, जिसका यूनाइटेड नेशन ने भी समर्थन किया, अमेरिका ने रिकग्नाइज किया, मगर उसके बाद 48 में हमने भी रिकग्नाइज किया अमेरिका को, मगर हमने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके साथ एस्टेब्लिश नहीं किया, एग्जिस्टेंस को हमने एक्सेप्ट किया, मगर क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन में जो प्रपोजल आया था ली कमीशन का था, जिसमें 11 देशों के एक कमीशन बना था, जिसमें ये था इंडिया भी एक रोल प्लेयर था, और मगर उसने इंडिया ने जो है फिलिस्तीन का साथ दिया था, उसका डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं किया, मगर फिर भी वो एक्सेप्ट हुआ, रॉयल कमीशन है उसने भी उनको रिकग्नाइज करने के लिए पूरी तरह उनको रिकग्नाइज भी कर लिया, मगर हमने किया, मगर पूरी तरह से हमने उसको डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है 92 पॉलिसी अपनाई किसी भी तरह से, हम जो है इसराइल के समर्थक में नहीं है। अब 1956 में अगर भी देखें, जब आपका स्वेज कैनाल की जो प्रॉब्लम हुई थी, स्वेज कैनाल में भी भाई हर आदमी जो हर देश जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्व करना चाह रहा है, कि अब इसराइल के अगर स्वेज कैनाल की जो कंपनी थी वो इसराइल अगर अपने कब्जे में लिया था तो उन्होंने अपने नेशनलाइज कर दिया, नेशनल इंटरेस्ट था नेशनलाइज कर दिया, तो उसमें क्या दूसरों क्या प्रॉब्लम। मगर इसराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने अटैक कर दिया इजिप्ट पर। अब ये क्या है, ये थी यहाँ पर एक चीज हमें ये नजर आती कि हमने तो पूरी तरह ओपनली इजिप्ट के साथ दिया, इसराइल और ब्रिटेन और फ्रांस को अग्रेसर माना कि नहीं ये गलत है, इनको वहां से हटना चाहिए, ये गलत। उसके अलावा उन्हीं का साथी जो है, उनका ग्रुप जो अमेरिका ने भी यहाँ पर जो है एक ऐसा स्टैंड लिया जो अगेंस्ट इसराइल, इसराइल और फ्रांस ब्रिटेन के फोर्सेज और यूनाइटेड नेशन की फोर्सेज वहां पहुंचा दिया, और कहा कि आप उसको रातों रात 24 आवर अगर आप खाली नहीं करते तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे, इसके साथ इजिप्ट के साथ और अरबियन कंट्रीज के साथ। तो इसके लिए ये था कि अब यहाँ पर ये चीज आती है कि जब वहां, अब उसकी वजह अमेरिका ने क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि अगर अमेरिका अगर इनको न रोकता है इसराइल और फ्रांस और ब्रिटेन को उस 1950 से ये आपका स्वेज कैनाल मामले में, तो ओपनली जो था आपका यूएसएसआर इन्वॉल्व हो जाता, और वो जो शीत युद्ध था जो आपका यूरोपियन कंट्री में लड़ा जाता वो डायरेक्टली आपका यहाँ पर वेस्ट एशिया में यानी अरबियन कंट्रीज पे नजर पहुंच जाता। एक तो इसके रोकने के लिए अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, और हमने जो है हमारी पॉलिसी पूरी तरह से ये नेहरू जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर एग्रेशन है हम इसराइल का है, हम जो है रिकग्नाइज करते हैं स्वेज नहर को जो इजिप्ट ने किया है, हम उसका साथ देते हैं, यहाँ पर उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, उसमें किसी तरह किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आप अगर हम देखें एक ऐसा घटना चेंज होता है, यही अगर हम देखें 62 में इंडिया चाइना का वार शुरू हो जाता है। अब यहाँ दूसरा एंगल भी हमारे साथ है, हम दूसरे तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद 65 का हमारा इंडिया पाकिस्तान से भी शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक ऐसी कड़ी है जो हमें जो है, हम जो है इंडिया एज ए इंडियन जो है, आपका पंडित नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो,
यानी पूरी तरह से ओपनली बाय हर्ट जो है अरब कंट्रीज के साथ होते हुए भी हमेशा जो है उनका साथ दिया, जबकि अगर दूसरी तरफ हम देखें अरबियन कंट्रीज में हमारे दूसरे पड़ोसी देश का वो हमेशा उसका साथ दे दिया है। जब से 67 के वार में भी, अरब इजराइल वार में भी, जब इजराइलियों ने आपका गाजा और इसका पूरा एरिया उन्होंने लेबनान और इजिप्ट पर हमला कर दिया था, उसमें वक्त भी हमने जो है यूनाइटेड नेशन में प्रपोजल लाए, उसके बाद वहां भी उनको अपोज करने की कोशिश की, इसराइल अग्रेशन है उसको डिक्लेयर किया, नहीं उनको है। और जबकि इसराइल ने क्या किया था, 62 वार में इंडिया का समर्थन किया था और 65 में भी इंडिया का समर्थन किया है, इंडिया का समर्थन इसराइल ने किया है, बट वहीं पर अरेबियन कंट्रीज ने हमारा अपोज किया, जबकि हम जो है यानी हम ये यानी एक ऐसी एक, क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर हमें हर एक पहलू को देखना होता है। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड, अगर ये कहेंगे ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो रहा है, यहाँ पर कई एक ऐसे इशूज हैं, मगर हमें इंडिया क्या है कि हमेशा इंडिया ने एक बैलेंस अप्रोच रखा है, क्योंकि 62 वार में भी, 65 वार में भी, 71 में भी, हमेशा जो है इसराइल अमेरिका इंडिया देखा जाए ना, एक तरफ इसराइल जो इंडिया का समर्थन कर रहा है और इसराइल का समर्थक जो है अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। 71 में भी ओपनली अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, पाकिस्तान को समर्थन करने वाले अरेबियन कंट्रीज है पूरी तरह से, 71 के बाद, उसके बाद जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, तो अगर जो फरकान अली भुट्टो जी ने कहा था कि भाई हम कहीं से भी मदद करें, इस्लामिक बम बनाने के लिए उन्होंने पूरे अरेबियन कंट्रीज को अपने समर्थन में किया था, इवन सबके अरब देशों ने भी मदद किया, लीबिया ने भी समर्थन किया था उनको न्यूक्लियर बनाने में, ये भी एक फैक्ट है। मगर उसके अलावा भी हमने जो है ये भी कहा गया कि जब अगर जब हमने स्वेज कैनाल का समर्थन किया अगेंस्ट इसराइल, फिलिस्तीन और इजिप्ट को समर्थन किया, तो ये प्रेशर भी पड़ा गवर्नमेंट पर भी काफ़ी हुआ कि भाई आप जो है अगर ये चीज़ जैसे उन्होंने इसराइल के बन दिया, एक दिन आपका भी बंद कर देंगे, उसके बाद आप समर्थन कर रहे हैं अरेबियन कंट्री, किसी दिन ये भी होगा कि पाकिस्तान में अरेबियन समर्थन गवर्नमेंट आ जाएगी तब आप क्या करेंगे। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी है इंडिया का स्टैंड जो है पूरा क्लियर रहा कि नहीं, जो भी एग्रेसर है, जो गलत नीतियां है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी को कांग्रेस ने उसको ठीक है किसी भी तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया, जैसे आपका इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीजन जो हुआ वो भी अगर देखा जाए अंग्रेजों की देन है, उसको भी किसी भी तरह से, क्योंकि वो भी हिस्टोरिकल में नहीं जाना चाहता, एक कहने के लिए है कि ये भी अंग्रेजों की देन थी, क्योंकि उसको जो है मुस्लिम लीग की भी देन थी, उसको कांग्रेस ने शुरू से ही एक्सेप्ट नहीं किया था, मगर फिर बाद में डिवीजन हुआ। अब कौन कौन क्या कारण थे उस पर हम नहीं जा रहे हैं, मगर वही चीज़ यहाँ पर भी यही कि टू नेशन थ्योरी जब 1948 में फिलिस्तीन और इसराइल के मामले में आया, यहाँ पर भी ये आता है कि नहीं, जब एग्जिस्टेंस सबने समर्थन कर दिया, यूनाइटेड नेशन ने समर्थन कर दिया और फिलिस्तीन में एक इसराइल यहूदी एक नेशन बना दिया गया और फिलिस्तीन को भी एक वेस्ट में, यानी दोनों को डिवीजन करके दो नेशन थ्योरी एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने प्रेशर भी डाला, मगर अरेबियन देशों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जो आज भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, यही चल 67 में जब इसराइल ने पूरा लेबनान और उसके बाद जब गाजा और सब पूरा अपना कब्जा कर लिया, उसके बाद फिर इवन जो भी आपका फिलिस्तीन का क्षेत्र था वो अपने कब्जे में करके उनको कोई ऐसा उनका अस्तित्व समाप्त नहीं किया। तो यहाँ पर भी इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में प्रपोजल ला के यूनाइटेड नेशन में पूरी तरह से फिलिस्तीन का समर्थन किया कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये अन्याय है और इनजस्टिस हो रहा है एक एक मुल्क के खिलाफ जो है, उन जो लोग अस्थायी निवासी जिनका अपना घर है उन्हीं को घर से निकाला जा रहा है, ये किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया। तो वहां पर भी उन्होंने हमेशा जो है फिलिस्तीन का साथ दिया। अब इसकी वजह ये है क्योंकि ये हमेशा से हमारा इंडिया की पॉलिसी रही कि हम जो है जो गरीब देश है, खासकर एशियन अफ्रीकन कंटिनेंट है, हम जो है एक कॉपरेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन बनाने की कोशिश की गई, वो बना भी था, फिर उसी को आगे चलिए इंदिरा गांधी ने भी प्रमोट किया कि नहीं, हम जो है जितना हम आपस में लोग एक साथ मिलकर डेवलप कर सकते हैं, वैसे हम जो जो बड़े बड़े जो आपका सुपर पावर है, डेवलप नेशन है, विकसित देश है, हम उनसे इतनी मदद नहीं लेंगे,
वो लोग मदद करते तो है, मगर क्या है किसी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमें मदद करते, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है डेवलप नेशन के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम कहें कि भाई ठीक है इंडिया का रोल है, इंडिया का अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इन द आई ऑफ डेवलप नेशन पर्टिकुलरली 5 परमानेंट मेंबर के सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ हम कहने के लिए है कि भाई हाँ हम जो है इंडिया एक सुपर पावर के रूप में रीजन में है, या आपका इजिप्ट कर रहा है, या आपका चाइना जो राइज कर रहा, चाइना तो है नो डाउट वो आप तो बीट यानी डेवलप नेशन में कि उसमें आपका, मगर हम जो है किसी भी तरह से उनका कंपेयर नहीं कर सकते। तो यही चीज हमने 67 में भी देखा, उसके बाद फिर आपका 76 वाले वार में भी यही चीजें सामने आई। तो ये जो घटनाक्रम चलता रहा इसमें हमेशा जो है 67 में भी हमने ओपनली अरब देशों का समर्थन किया, और इसमें ये भी था कि हमने जो है जॉर्डन के साथ सऊदी अरबिया भी जो सहायता सामग्री है वहाँ हमने सहायता सामग्री भी भेजी थी, और उसके बाद फिर 73 में भी भारत ने इसराइल के युद्ध का दोषी ठहराया था, ओपनली कहा था ये गलत है, और जैसे यूनाइटेड नेशन में प्रपोजल पास हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दबाव डाला जाए यूनाइटेड नेशन में की तरफ से कि इसराइल जो है जो 67 में जो कब्जा किया है उसको छोड़े और इसराइल फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और हम जो है इसराइल को किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं करते क्योंकि यहाँ पर ओपनली अग्रेशन है, और वहीं पर रूस ने सोवियत संघ ने भी इसका समर्थन किया था, और पूरे अमेरिका के अगेंस्ट जो है सोवियत संघ भी इस प्रपोजल में शामिल था जिसके साथ अमेरिका ने इसका समर्थन किया, मगर उसके बाद फिर भी अगर नहीं देखें 73 में फिर अग्रेशन इसराइल की तरफ से होता है, प्रपोजल अगर वो उसमें भी कंडेम किया गया यूनाइटेड नेशन और जनरल असेंबली जो मैटर आया उसमें इंडिया ने उस इसराइल के एक्शन को कंडेम किया, उसके बाद 82 में दोबारा जो है अगर देखते हैं कि भारत ने इसराइल की आलोचना की तथा फिलिस्तीन को चिकित्सा सामग्री भी करीब अपने एक पूरा दल भेजा था डॉक्टरों का, उसके बाद करीब 10 लाख की खाद्य सामग्री और दवाइयां भी मुहैया कराई थी, तो ये एक स्टैंड था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पीएलओ का एक जिस होता है पीएलओ को यासिर अराफात को पूरी तरह से इंदिरा गांधी ने एक राज्याध्यक्ष का रोल दिया, अगर वो दिल्ली आते थे उनको पूरी तरह से उनको वैसे ही रेस्पेक्ट था एक फिलिस्तीन के राज्याध्यक्ष के रूप में दिया जाता था, और जब उसके बाद उन्होंने यासिर अराफात ने इंडिपेंडेंट स्टेट के डिक्लेरेशन किया 88 में तो पूरी तरह से हमारे संसद में भी ताली बजा के उसका स्वागत किया गया था, उसके बाद उन्होंने रिकग्नाइज भी कर दिया था एक फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। ये हम देखते हैं कि शुरू से ही जो है इंडिया का जो रोल रहा हमेशा फिलिस्तीन और अरब देशों के साथ रहा, बट 90 के बाद 1990 के बाद जो डिकेड 90 का डिकेड शुरू होता है वहां से ही हम जब देखते हैं कि कोल्ड वार एंड ऑफ कोल्ड वार सोवियत संघ का डिसोल्यूशन 1991-92 में पूरी तरह खत्म हो जाता है, अब हमारे पास जो है कोई ऐसा ऑप्शन क्योंकि हम जो है हमारा जो पूरी तरह समर्थक जैसा 1971 से लेकर 20 जो 25 ईयर की हमारी एग्रीमेंट था 20 ईयर्स का जो सोवियत संघ के साथ था जो आर्म सप्लाई और पूरी तरह से सोवियत संघ हमारी मदद करता यूनाइटेड नेशन में भी हमेशा हमारे साथ रहता था, मगर जब उसका खात्मा हो गया तो हमारे साथ ये है कि जो वर्ल्ड सिनेरियो है तो उसमें वन पोलर हो गया, जो बाईपोलर था वन पोलर एक ध्रुवीय व्यवस्था में जो अमेरिका का पूरी डोमिनेशन हो गया, उसके साथ अमेरिका के सामने कोई और दूसरी शक्ति नहीं थी जो अमेरिका को समर्थन कोई उसको मुकाबला कर सके। उसके बाद ये भी देखने के लिए फिर हुआ कि अब इसमें क्या किया, तो इंडिया जो है झुका हुआ अमेरिका के तरफ, उसके साथ साथ इसराइल भी इसराइल के पास क्या आर्म एम्बिशन है, हमें जो समर्थन रूस से मिल सोवियत संघ से मिल रहा था रूस से नहीं मिला, मगर हम क्या है इसराइल से अपना समर्थन दिए हमें समर्थन मिलने लगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब एनडीए गवर्नमेंट आती है वाजपेयी जी गवर्नमेंट आते हैं लाल उसके बाद अडवाणी जी जो होम मिनिस्टर वहाँ विजिट करते हैं पहली बार विजिट होता है 92 के बाद, ये मैंने हमारे आगे देखे गए ये राव साहब की नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट होती है तो उन्होंने भी क्योंकि मजबूरी है
क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हुआ तो मजबूरी हो जाती है कि भाई किस तरह से हम आगे बढ़े, तो किसी झुकाव हुआ इसराइल की तरफ, मगर हमारी पॉलिसी चेंज नहीं हुई। हम फिलिस्तीन को वैसे ही समर्थन करते आ रहे हैं जैसे पहले समर्थन करते थे, वैसे ही जिस तरह से अगर देखा जाए दूसरे देश भी है, सुपर पावर भी है, एक तरफ इसराइल को समर्थन कर रहे हैं, दूसरे तरफ सऊदी अरेबिया को समर्थन कर रहे हैं, उसी तरह एक तरफ पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है, फिर इसके बाद इंडिया दूसरे करता है। ये सब चीजें क्या है, ये सब इंटरेस्ट सब हर का अपना अपना होता है। तो हमारा झुकाव जो है इसराइल की तरफ, हमारा रिलेशन डेवलप होता है उसके बाद, क्योंकि जब यासिर अराफात ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, अरेबियन देशों ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया, तो हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होता कि हम भी इसराइल को एक्सेप्ट कर, तो हम भी उनकी तरफ हमारा झुकाव हुआ। उसके बाद यही नीति वाजपेयी जी भी 2003 में अगर देखें, उनका भी स्पीच देखें, वो भी समर्थन तो कर रहे हैं इसराइल का, दो नेशन एक्सेप्ट करने की कोशिश है, मगर एक तरफ ये कहते हैं कि अन्याय हुआ फिलिस्तीनियों भाइयों के साथ, अन्याय हुआ, हम उन भाइयों को छोड़ नहीं सकते। ये वाजपेयी जी का स्पीच स्टेटमेंट, उन्होंने स्पीच में कहा कि नहीं, हम अरब हमारे फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय हुआ, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हमारा चाहे जो भी हो स्टैंड हो, हमारा रिलेशन जो है इसराइल के साथ जैसा भी है, जो भी है, एक बिजनेस है उसके अलावा, मगर हम जो अन्याय हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। आपका ये बीच में ब्रेक होने की कोशिश हो रहा। उसके बाद फिर अगर यही चीज मनमोहन सिंह के टाइम में भी हमारा जो है रिलेशन अच्छा रहा, अरब देशों से अच्छा बनाने की कोशिश होती रही, फिर जब ड्रास्टिक चेंज आया फिलहाल का 2014 में, मोदी जी आते हैं, मोदी जी का अगर देखा जाए पार्टी के हिसाब से आपका मोइस यानी आपका मुसाद उनके इसराइल से रिलेशन पार्टी का पहले से था, मगर फिर भी अगर देखें नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हमने जो है मोदी जी ने भी कभी पूरी तरह से फिलिस्तीन को नहीं छोड़ा, फिलिस्तीन को हमेशा उन्होंने अपने साथ रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, अन्याय हो रहा है, एक तरफ हम जो है फिलिस्तीनियों के साथ, अरब देशों के साथ, क्योंकि अरब देशों को हम छोड़ नहीं सकते, अरब देशों से हमारा बहुत बड़ा यानी ये तो इसराइल के साथ रिलेशन जो है हमारे यहाँ बिजनेस जो है बहुत मिनिमम है, जबकि अरब देशों के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, और उसके बाद कितने हमारे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है, कितने लोग वहाँ बस रहे हैं, कितने हमारी पूरी अगर देखा जाए इकोनॉमी का 16% डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद भी हमने जो है पूरी तरह से इसराइल का साथ ना देते हुए भी, उसके बाद आपका 15 में भी 16 में भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ, 17 में जब ट्रंप ने यरूशलेम को एक अपना एक इंडिपेंडेंट एक उसको कैपिटल बना के अभी बनाने की कोशिश की, उसके बाद भी उसको सभी हमने समर्थन नहीं किया था, जबकि और दोस्तों ने समर्थन किया, हमने उसको भी इवन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में भी अगेंस्ट इसराइल भी हमने उसको प्रपोजल को अगेंस्ट हमने अपना उठ दिया कि नहीं, हम जो है अन्याय कर रहा है हमास के साथ, इसराइल का भी उसी तरह दोषी है जिस तरह से हमास को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये भी है, वो अगर गलत कर रहा है तो इसराइल भी गलत करें के साथ, तो हमने उसको यानी पूरी तरह से अगर परा ठीक है। नेतन्याहू आया आपके यहाँ पे विजिट किया, आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट से हमारे उनके प्रधानमंत्री आते हैं, ये बिजनेस डील चलती रही होती रही, मगर जहाँ पर स्टैंड की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, हमने फिलिस्तीन का साथ दिया। इवन अभी रिसेंट वाले में भी अगर देखा जाए मई में तो उसमें भी वहाँ हमारे जो परमानेंट मेंबर जो है हमारे राजदूत जो है उन्होंने भी त्रिमूर्ति जी ने भी जबकि इंडियन का स्टैंड है कि अग्रेशन डिक्लेयर किया कि इनको दोनों हमास और इसराइल को दूसरा है, भाई आप इसको अमेकेबल सोल्यूशन कीजिए, आपस आवस में इसको युद्ध को रोकिए, बढ़ावा ना दिया जाए, और ये भी है कि किसी तरह से इसको यानी जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी किसी भी तरह से इसको रोकने की सख्त आवश्यकता है। अगर ये चीज ये मामला बढ़ता रहा तो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कोई ऐसा नहीं है, अगर हम तुर्की की भी बात करें, ईरान की बात करें, ये सब लोग जो है अब बहती गंगा कहते हैं ना, बहती गंगा बात होगा, ये सब लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, जबकि अगर देखें तुर्की अमेरिका नाटो के मेंबर है, नाटो के मेंबर होते हुए भी इसराइल के भाई के समर्थन जो है ओपनली अब नहीं कर सकते, मगर फिर भी दिखाने कहने के लिए भी हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों क्या है, हम मुसलमान जो है एक तरफ ये है कि एक कहते हैं ना सोडा वाटर की तरह की ये है वो रहा, मगर एक तरफ दूसरा तो ये है कि हिंदू मुसलमान की तो बात होती है, वो तो छोड़िए, वहाँ पर एक शिया सुन्नी का मैटर है, सऊदी अरेबिया सुन्नी आइडियोलॉजी के लेकर चल रहा है, फिर अब
शिया को इसराइल सॉरी ईरान लीड कर रहे हैं हमास को तैयार कराने में, आप ईरान अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि सऊदी अरबिया इसमें किसी तरह से अपना रोल प्ले करे, वो अपने कोशिश कर रहे हैं, टर्की अपना कोशिश कर रहा है, ये सब चीजें जो है और अमेरिका के सामने जो है हर की अपनी अपनी एक अपनी अलग एक थ्योरी है, कोई बोलना नहीं चाह रहा कि इसलिए इसलिए है कोशिश ये क्या है ये कि इस मसले को जैसे टू नेशन थ्योरी को एक्सटेंशन की वजह से क्या है इंडिया हमेशा उसको समर्थन दिया भाई नहीं ठीक है दोनों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, हम जो है फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रूप में इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है और उस हमेशा जो है इंडिया उसके साथ खड़ा रहा। अब यहाँ पर एक चीज आवाज आ रही है जी सर आवाज आ रही है लेकिन टाइम खत्म हो गया है सर, रिकॉर्डिंग अब बंद हो जाएगी कुछ देर बाद, बस हम कंक्लूड कर दें। गांधी जी को कोट करने के बाद खत्म कर रहे हैं। गांधी जी ने एक राइटर में 5 मई 1947 को एक अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था ये कि ये एक ऐसी समस्या है इसराइल फिलिस्तीन एक ऐसी समस्या है जिसका करीब करीब कोई हल नहीं है। बापू ने ये समस्या के यहूदी धर्म राजनीति खिस्तान धार्मिक प्यास जैसे कई विषयों से जोड़ते हुए बहुत सारी काम की बातें की थी, इन्हीं में से एक यह भी कहा था कि यहूदियों को अमेरिका और ब्रिटेन की चाल में नहीं फंसने की सलाह दी थी। दुर्भाग्य है कि यह सलाह नज़रअंदाज हुई और कालांतर में मध्य पूर्व का नासूर बन गई है, और एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ ईरान तुर्की हमास साथ देते हुए फिलिस्तीन को बलि का बकरा बना रहे हैं। यहीं पर यह है कि जो भी कंक्लूड कर रहे हैं उसके बाद यही। जज़ाकअल्लाह खैर प्रोफेसर आरिफ साहब, बहुत अहम बातें आपने बताई कि इंडिया क्या पॉलिसीज रही है इसराइल और फलस्तीन को लेकर अभी के हालात में, और इंडिया क्या रोड मैप बनाना चाह रहा है, बहुत अहम बातें। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजार हूँ एसआईयू पीस की तरफ से, मैं आपका मकरूज हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, इतनी अहम चीजें शेयर की। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।